वन विभाग वालों को तो सूचित करना चाहिए, क्योंकि भैया वन विभाग वाले आए और इसको ले जाए, क्योंकि यहाँ पे निकला है, भागे घर पे जल्दी, देखिए भाग भागो भागो। मम्मी डैनी को अंदर रखे, तीन ये ऊपर को आ रहा है यार। इन लड़कियों ने आज बड़ा भंडारे में बड़ा का, ये अभी अभी तो पांच दिख रही है, अब पता चलेगा कि मैं कितना चाला हूं। पांच से बारह थी ये। बारह देखो ये शक्ल छिपा रही है, देखो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, और मैं आपका स्वागत करता हूं आज अपने न्यू ब्लॉग में। और मैं इस टाइम अपने खेतों में हूं, जो मेरे घर से करीब 500 मीटर दूर है। मैं आपको दिखाता हूं कि कहां पे हूं मैं इस टाइम और कितनी दूर है अभी खेत से घर की दूरी। ये रहा घर मेरा, डैम का व्यू दिखाता हूं यहीं से, जो मेरे खेत से ही दिखता है। ये देख सकते हैं गाइस आप, ये डैम, और डैम के पीछे आप पहाड़ी देख सकते हो। क्योंकि डैम ये हमारे घर से मुश्किल से 1 किलोमीटर है, जो मैंने आपको जूम करके दिखाया है। ये चारों तरफ खेत हमारे, गेहूं लगाया हुआ है। अभी मैं आपको ले चलता हूं अपने प्लांट की तरफ, जो मेरा एक प्लांट है छोटा सा, नींबू का प्लांट है, वहां ले चलता हूं आपको। साथ में आप देख सकते हो मेरा डॉगी जोजो। गाइस प्लांट की तरफ पहुंच चुके हैं, जो आप देख सकते हो एक छोटा सा प्लांट मेरा नींबू का। इधर गोबर की खाद भी थी, पड़ी भी थी पहले, जो हमने डाली थी यहाँ। गोबर खाद इसलिए पड़ी थी क्योंकि हमें पेड़ों में भी डालना पड़ती है, पेड़ों की उर्वरक बढ़ाने के लिए। ये आप देख सकते हैं नींबू लगे हुए हैं। इस पेड़ में देखिए नींबू बिल्कुल पीले हो चुके हैं, पक गए हैं बिल्कुल ये पेड़ में। आज हमने यही तोड़ने हैं। ये रहा प्लांट मेरा, साथ में मेरा डॉगी। ये बैक व्यू देख सकते हैं आप, कितना बढ़िया है देखिए। ठीक है गाइस, अब मैं नींबू तोड़ लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ मैंने कितना नींबू तोड़ा है, उसके बाद मैं आपको मिलता हूँ। गाइस नींबू तोड़ दिया है, अब आप देख सकते हैं ये है देखो नींबू, नींबू लेमन, दो क्रेट तोड़ चुका हूँ मैं अभी तक। ठीक है गाइस अब चलते हैं घर को, अब नहा लेते हैं, गंदे भी हो गए हैं और धूल धूल बहुत लग गई है कपड़ों में। अब मैं आपको थोड़ी देर बाद मिलता हूँ नहा धो के। गाइस देख सकते हैं हमारे घर के बच्चे कितने होनहार बच्चे हैं, ये ताश खेल रहे हैं, देखिए इसको, देखिए देखिए इसके पेपर हैं और ये ताश खेल रही है। चार बार बोले हैं पढ़ने निकले वाले छात्रों को, अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो। बच्चों का भविष्य ताश में। निकला है भागे घर पे जल्दी, देखिए भाग भागो भागो, मैं आपको अजगर दिखाता हूँ। इधर इन पेड़ों के बीच में अजगर है गाइस, आप दिखाता हूँ मैं आपको अजगर। दो ये उड़ भी जा रहा है, तीन देखिए। अरे कितने हैं यार, एक तो ये है और दूसरा दो हैं चाची, दोनों इकट्ठे जा रहे हैं। गाइस ये अजगर की कैंचली है, ये हमारे घर पे अजगर निकला हुआ है, इसने अभी बिल्कुल ताजी ताजी कैचली छोड़ रखी है, लेकिन ये जब मैंने उठाई तो ये पूरी टूट गई थी, आप देख सकते हो। ये भाई ये मुंह का रास्ता है इसका, 7 फीट है इस अजगर की लंबाई।
गाइस आप देख सकते हैं अजगर, तीन अजगर हैं, एक और है, देखिए चार। अरे बाप रे कितना मोटा है, दो। गाइस इस नदी में ये रहते हैं यहाँ पे, क्योंकि कोई पता तो होता नहीं अजगर का कि अजगर जाए कहाँ, क्योंकि अजगर कहीं भी जा सकता है, लेकिन उसकी तो मेन यहाँ पे रहता है वो। मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे रहता, ये जगह है, इसके अंदर झाड़ी में भी जा सकता है, मतलब कहने मतलब दिन में ज़्यादा निकलते हैं क्योंकि धूप सेकने के लिए ये निकलते हैं ज़्यादातर, क्योंकि फिर अब शाम के टाइम तो ये बिल्कुल नहीं निकलते हैं, लेकिन जब धूप होती है तो तभी निकलते हैं ये। अगर ऐसे ही होता रहा तो पता नहीं क्या क्या होगा, अजगर के अजगर हो जाएंगे यहाँ। अभी तो चार अजगर हैं, जहाँ तक अभी बताया कि चार अजगर हैं, मैंने तो देख ही लिए कि चार अजगर हैं, और आपने अभी वीडियो में भी देखा होगा कि चार अजगर हैं। ऐसे तो और जनसंख्या हो जाएगी इनकी, क्योंकि यहाँ पे कुत्ता बिल्ली और इंसान भी रोड में घूमते रहते हैं। मैं आपको रोड भी दिखा देता हूँ, बिल्कुल सामने है रोड, वो भी आप देख सकते हैं। अगर टाइम से वन विभाग वालों को सूचित नहीं किया गया तो बहुत कुछ हो सकता है, किसी के साथ भी घटना घट सकती है। देखिए अजगर देखने के लिए गाइस, देखिए कितनी मात्रा में भीड़ आ रही है अजगर देखने के लिए। गाइस जो यहाँ पे हमारे यहाँ घर पे काम करते हैं, एक हमारे भैया हैं बबलू नाम से, वो आपको बताएंगे कि अजगर के बारे में, कि अजगर यहाँ कब से है और मतलब अजगर क्या क्या हानि पहुँचा सकता है, ये बताएंगे। अब क्षेत्र में एक नदी है जो भाखड़ा से प्रसिद्ध है, और भाखड़ा के किनारे खेत हैं, खेतों में हम काम करने वाले किसान हैं, मजदूर हैं, जो कि हम जो रोज़ाना के आते जाते रहते हैं, बिल्कुल रास्ते के किनारे है नदी, जिससे कि आसपास में पेड़ भी लगे हुए हैं और जो है बहुत सारे झाड़ियाँ भी हैं। यहाँ पे कम से कम एक महीना हो गया हमें देखते हुए अजगर को, मैंने तो आज ही देखा अजगर। अच्छा आपने आज ही देखा है, हमें तो एक महीना हो गया देखते देखते, रोजाना की धूप सेकने के लिए बाहर आता है पानी में से, जिसकी यहाँ पे जो जगह है वहाँ से निकल के अपनी धूप सेकता है, धूप सेकने के बाद दोपहर के बाद वो फिर चला जाता है। वैसे खतरा तो बहुत है, वन विभाग वालों को सूचित तो करना ही चाहिए। हाँ वन विभाग वालों को तो सूचित करना चाहिए, क्योंकि भैया वन विभाग वाले आए और इसको ले जाए, क्योंकि यहाँ पे डर है बहुत हो गया है, क्योंकि आने जाने का रास्ता है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ढेर सारा प्यार दीजिए। गाइस आप देखते तो हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।